अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आज बहुत ही एक अच्छी पंजाबी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो लेकर आया हूँ, जो ट्रेडिशनल और रवायती है हमारी पंजाब की एक डिश। ठीक है, तो ये है सर्दियों में स्पेशली पंजाब के हर घराने में इस डिश को बनाया जाता है और ये बनाने में बहुत आसान है। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज साग और मकई की रोटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी और ऑथेंटिक होगी, टू द पॉइंट होगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, साग के लिए जो मैंने क्या किया है, मैंने आधा किलो पालक लेकर और आधा किलो साग लेकर उसमें एक गिलास पानी डालकर उसे बारीक काट के, पहले साग को और पालक को बारीक काट के धोकर अच्छे तरीके से एक बर्तन में डाल दिए। ठीक है, तो उसमें मैंने एक गिलास पानी डालकर ऊपर चढ़ा दिए और 15 मिनट उसे उबलने दिए। तो उसके बाद अच्छे तरीके से उसे हलाते रहे बीच में। ठीक है, 15 मिनट मज़ीद देकर जब वो साग के और पालक के पत्ते बिल्कुल गल जाएंगे तो फिर आपने उसे ग्राइंड कर लेना है। तो 10 मिनट मज़ीद देख के पानी को खुशक करके आप नीचे उतार लें। तो इसके तड़के लिए बहुत आसान है। ठीक है, तड़का आपकी मर्ज़ी का होता है। तो ट्रेडिशनली पंजाब के अंदर देसी घी मक्खन वगैरह का तड़का लगाया जाता है। तो तड़के के लिए आपने क्या करना है, एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर 5 से 8 या 10 जितनी भी आपको मिर्चें तेज पसंद है सब्ज़ मिर्चें लेकर से बारीक काट लें या उससे कोट लें। ठीक है, और एक आपने टीस्पून नमक लेना है। पहले 3 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन डालकर प्याज को आपने 5 मिनट के लिए लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद आपने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, फिर नमक डाल देना है और बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। आपने हल्दी डालनी है कि नहीं डालनी या ज़ीरा डालना कि नहीं डालना। अगर आपने ज़ीरा डालना है तो 1 टीस्पून डालना है, हल्दी 1/2 टीस्पून डालना है। तो अच्छे तरह से मिक्स करके इसमें वो जो साग मैंने बताया आपको वो आपने डाल देना है। तो उसके बाद उसे हला लें, 5 से 10 मिनट से पका के नीचे उतार लें। तो फिर भी आपका साग तैयार हो जाएगा। साग बनाना बहुत ही आसान आसान तरीका है। तो ये ट्रेडिशनल पंजाबी तरीका है जो मैंने आपको साग का बताया। तो मैं आपको डेमो बताऊंगा इसका, मकई की रोटी हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पूरा अरेंजमेंट्स किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें भी आप दो तरह का तरीका है। ठीक है, वो आप बना सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। ये 1 कप मैंने लिया है मकई का आटा और 1 कप मैंने नीम गरम पानी लिया है, ये आपको देख नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको बाइंडिंग में मुश्किल है तो ऑथेंटिक तो ये कि मकई की रोटी होती है तो इसमें तो मकई की ही रोटी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे लोग क्या करते हैं, इसमें गंदम का आटा मिला देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं उसे, हाफ मकई का आटा पर 1/2 कप ये इसका गंदम का आटा मिक्स कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ प्योर मकई ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसका अपना एक फ्लेवर आएगा। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके गूंथ के, ये बहुत आसान है। इसमें आप ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं डालूँगा, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, इसे आपने गूंथ लेना। ना बहुत सख्त हो आपने बनाना है और ना ही आपने नरम रखना है इसे ज़्यादा, बस इतना करना है। और ये आपने 1 कप नीम गर्म पानी लेना, थोड़ा थोड़ा डालना है। मैं आपको बताता हूँ जैसे ये कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना पतला, यानी इसे इतना करना है कि हम बेलने के लिए आसान हो। जी दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताया था 1 कप मकई का आटा और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1/2 कप पानी गया है। ठीक है, तो उसे मैंने गूंद लिया। ये देखिए, ये ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से इसे गूंदना है। और अब इसे बेसिकली ये खालिस मकई का आटा है तो इसकी हम रोटी बना रहे हैं, तो हमने इसे बड़ी मुश्किल से हैंडल करना है। तो हमने क्या करना है, हमने 3 छोटे छोटे इसके ना बनाने हैं।
3 रोटियां इसकी बन जाएंगी। और ये सिंगल सर्विंग है, एक अगर बड़ा आदमी तो एक कप के हवाले से ये काफ़ी है। तो आप इसके 3 पेड़े कर लें इस तरह करके। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक शॉपिंग बैग लेके इस तरह के आपने पीस काट लेने। ठीक है, ये टिप मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह ये होगा कि आपकी रोटी ये हैंडल हो जाएगी। तो आपने ऐसे रख कर इसके ऊपर ये रख देना। तो इस साइज से बड़ा ना बनाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये इस तरह आप इसे आसानी के साथ हैंडल कर लेंगे। इसे बस इतना बेल लें। तो आपने 1 टीस्पून देसी घी या मक्खन डाल के इसे पका लेना। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। इसके आप 3 बना लीजिएगा। और साग की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, ये बहुत इजी है। लेकिन जी दोस्तों, मैं आपको बता रहा था हम इसके 3 बनाएंगे। मैंने एक बेल ली है, एक, ठीक है, एक कप से हम इस साइज़ के 3 बनाएंगे रोटियाँ। ठीक है, तो चलें ऐसे पकाते हैं। हमने क्या करना है, तवे के ऊपर 1 टेबल स्पून या 1 टी स्पून देसी घी या मक्खन डाल के एक साइड पे 1 मिनट दे दें और दूसरी साइड पे 1 मिनट दे दें। फिर दोनों साइडों पे 1-1 मिनट मजीद देकर तो इसे हम उतार लेंगे। चलें इसे बनाते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने क्या किया, 1 टी स्पून या 1 टेबल स्पून के करीब मैंने मक्खन डाल के एक मैंने पेड़ा डाल दिया, एक मैंने बना दिया। ठीक है, ये दूसरा मैं तैयार कर रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रही। तो ये हल्की आंच के ऊपर आप कर लें, पका लें। और जैसे ही ये होता है 1 मिनट एक साइड पे दे दें, 1 से 2 मिनट हम दूसरी साइड से 1 से 2 मिनट दे दें। इससे क्योंकि ये खालिस मकई के आटे की बना रहा हूँ तो ये टूट सकती है, तो इसे हमें बहुत एहतियात के साथ ना करना है, हमें ये टूट जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर आपने इसमें मकई का आटा मिलाया हुआ है तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसे हैंडल कर लेंगे। और मैंने आपको टेक्निक बता दी है, ठीक है, इसमें प्लास्टिक का आप बिछा कर ऊपर ये रखें, ठीक है, इसे बेल लें तो फिर भी आपकी रोटी हैंडल हो जाएगी। ये रोटी हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। सर्दियां ख़त्म होने वाली हैं दोस्तों और गर्मियां आने वाली हैं, बल्कि गर्मी तभी थोड़ी दूर है तब ये बेसिकली बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी रोटी तकरीबन तैयार हो गई है। नीचे दोस्तों हमारी एक तैयार हो गई है, मैंने एक उतार दी है और दूसरी डाली है। जो मैंने पहले डाली थी वो मुझसे टूट गई थी, तो अब ये लास्ट तीसरी है। ठीक है, तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुली बन रही है। अब इसे मक्खन में बनाइएगा, उसका अपना ही एक टेस्ट आएगा। ये देसी घी से बनाइएगा। लें जी दोस्तों, हमारी मकई की रोटी तैयार है। देखें कितनी खूबसूरत तो मज़ेदार लग रही है। तो आपने इसी तरह बनानी है, ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है, और स्पेशल मकई के आटे की ही बनाइएगा। इसे टेस्ट करके मैं देखता हूँ थोड़ा सा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। दोस्तों ये तो थी आज की मकई और साग की रेसिपी। साग की मैं एक डिटेल जो इंग्रेडिएंट्स हैं और तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने इसकी मेथड तैयारी इस वक्त की, मैंने वीडियो बहुत आपके लंबी हो जानी थी। ठीक है दोस्तों, मकई की रोटियां बनाएं, सर्दियों में बहुत मज़ा लगती है साग के साथ। दोस्तों मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे
अपने मुख्तलिफ सोशल अकाउंट्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।